हे गाइस, वेलकम बैक टू दी पीसीआईटी टेक्निकल ज्ञान चैनल। मैं सपना पांडे, आपकी एजुकेटर, आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। जी हाँ गाइस, ये टॉपिक है पार्ट्स ऑफ प्रिंटर से रिलेटेड। गाइस, आपने पिछले वीडियो में प्रिंटर का फर्स्ट लेक्चर कवर किया है और इस वीडियो में आपको पढ़ना है पार्ट टू, जो कि बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अधूरी नॉलेज बहुत ही बेकार होती है। तो इसमें आपको पूरा करना है अपना नॉलेज। आपने जो पार्ट्स ऑफ प्रिंटर में इम्पैक्ट प्रिंटर पढ़ा था, अब इसमें आपको पढ़ना है इंपैक्ट प्रिंटर। तो बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे, सो लेट्स बिगिन द वीडियो। आप जैसा कि गाइस अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, चार्ट में बना है प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, जिसकी मेनली पार्ट्स हैं, जिसमें इंपैक्ट प्रिंटर में आपने डेजी व्हील पढ़ा, डॉट मैट्रिक्स पढ़ा। डॉट मैट्रिक्स में पढ़ा गाइस कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे प्रिंटर नहीं होते हैं और बहुत नॉइजी भी होते हैं, भी अच्छी नहीं होती और एक ही कलर का आउटपुट भी देते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं। आपने डेजी व्हील पढ़ा गाइस, जिसमें कि आपने पढ़ा कि जो डेजी व्हील होते हैं वो फूल के आकार के होते हैं, जिसमें पिन कई सारे होते हैं और उनमें आपके टेक्स्ट छपे हुए होते हैं, जो कि जब हम टाइप करते हैं तो वो क्या करता है, स्ट्राइक करता है, स्ट्रोक करता है, पेपर पे हैमर करता है और जाके हमारे पेपर पे वो अक्षर छप पाते हैं। इसीलिए इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती गाइस, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को चोट पहुंचाएंगे तो वो कहाँ से अच्छा होगा। वहीं अगर हम बात करें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, तो गाइस जैसा कि आपने पढ़ा, इम्पैक्ट मीन्स होता है हैमर करना, मीन्स चोट पहुंचाना, चोट पहुंचा के अपना काम करना। वहीं जो हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है गाइस, ये क्या करता है, ये पेपर को बिना टच किए हुए छापता है। मींस ये हैमर नहीं करता, स्ट्राइक नहीं करता, ये पेपर को छापता तो है, प्रिंट करता है पेपर को, पर बिना टच किए हुए। तो वही हम इसमें एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में कि क्या है इंकजेट, थर्मल, लेजर, इन सारे प्रिंट के अबाउट हमें पढ़ना है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अबाउट पढ़ना। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं गाइस, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हम इसमें पढ़ेंगे। चलिए डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इन दिस टेक्नोलॉजी देयर इज नो एनी हैमर टू स्ट्राइक अगेंस्ट रिवन। जी हाँ गाइस, जो आपकी इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, वो रिबन पे स्ट्राइक नहीं करता है। अब चाहे वो लेज़र बीम द्वारा करे या छिड़काव करके करे इंक का, अब वो कैसा प्रोसेस है इसको आप आगे देखेंगे, पर ये क्या करता है, कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं बनाता बिटवीन पेपर एंड प्रिंटर। सो हिंदी में भी देख लेते हैं, वो प्रिंटर जिसमें छपाई के लिए स्याही वाला रिबन पन्नों के ऊपर चोट नहीं करता, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। नॉन इम्पैक्ट मीन्स बिना हैमर किए हुए। इन प्रिंटर में छपाई के लिए स्प्रे व अन्य इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का प्रयोग किया गया। जी हाँ गाइस, इसमें क्या किया गया है, स्प्रे का यूज किया गया है। कहने का मींस ये है गाइस कि ये टच करके नहीं छापता, चोट मार के नहीं छापता। इसीलिए मैं पहले बता दूं, इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत कूल होती है और इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी होती है और ये जरा सा भी नॉइजी नहीं होती। थोड़ा बहुत नॉइजी होते पर जैसा कह सकते हैं नॉइजी है, नॉइजी वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मतलब आराम से इससे हम काम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हमें क्या क्या पढ़ना है। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, द टू मेन टाइप्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक तरफ आपने इंकजेट पढ़ा, एक तरफ आपने इमेज देख रहे हैं लेजर प्रिंटर। गाइस मैं पहले बता दूं, होते तो तीन हैं पर मेन यही दो होते हैं, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर भी इसी में आते हैं, पर पहले हम इन दोनों को देखेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इमेज में आपको शो हो रहा है, ये हमारा है इंकजेट प्रिंटर और इसमें कुछ इंक के कार्टेज रखे हुए हैं, जो कि इससे लिक्विड कार्टेज होते हैं, लिक्विड इंक होते हैं जिससे पेपर की छपाई होती है। और ये है लेज़र प्रिंटर, लेज़र की ये लेज़र बीम द्वारा प्रिंट करते हैं। कैसे प्रिंट करते हैं, क्या होने वाला है इसका प्रोसेस, हम चलते हैं वीडियो की ओर बढ़ते हैं। और हाँ गाइस मैं बता दूँ, वीडियो को आपको जरा सा भी स्किप नहीं करना है, अदरवाइज आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस हो सकती। चलते हैं स्लाइड की ओर। इंकजेट प्रिंटर, इसका उपयोग कागज पर फोटोग्राफ्स को प्रिंट के लिए किया जाता है। इसमें स्याही की बॉटल रखी होती है और साथ ही इसमें एक प्रिंट हेड होता है जिसमें 64 छोटे छोटे जेट नोजल होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के माध्यम से स्याही की बूंदों को नोजल जेट की सहायता से पेपर पर छोड़ा जाता है, जिससे आकृतियां प्राप्त होती हैं। इंकजेट प्रिंटर में इंक कॉर्टेज का इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मीन्स ये है गाइज, मैं अपनी लैंग्वेज में समझा दूँ, इसमें क्या होता है, एक लिक्विड इंक होता है जो कि करता है क्या, ये कार्टेज में होता है या टैंक में होता है, आप चाहे कार्टेज बोले या टैंक में बोले, और वो ट्यूब या पाइप के जरिए ट्रेवल करती है और नोजल तक पहुंचती है। फिर जब वो नोजल तक इंक पहुंचती है गाइस, तो क्या करते हैं, वो थोड़ी हीट हो जाती है, उसको हम हीट करते हैं, फिर वो हीट होने के कारण थोड़ा वेपराइज हो जाती है और जाके हमारे पेपर पर छप जाती है। तो यही होता है, यही इसका प्रोसेस है। क्या करती है, कार्टेज होती है लिक्विड की, जो कि क्या करती है, ट्रेवल करती है ट्यूब या पाइप के जरिए और
नोजल तक जाती है, वहां जब हमारी हीट हो जाती है थोड़ी सी इंक, तो वेपराइज होके नोजल से बाहर आके पेपर पर छप जाती, यही इसका मेन काम है, ऐसे ही ये काम करता है। तो कहते हैं कि वही इसमें स्याही की बॉटल रखी होती है, जो कि क्या करते छोटे छोटे नोजल भी होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम से स्याही की बूंदों को नोजल जेट की सहायता से पेपर पर छोड़ा जाता है। कहने का मीन्स ये है गाइस कि ये इंक को स्प्रे करता है। आप यही सोच लीजिए, जब वेपराइज हो जाता है तो इंक उससे बाहर जब निकल आता है तो स्प्रे के फॉर्म में वो कागज पे जाके चिपक जाता है, और हमारे कैरेक्टर्स, हमारे फोटोग्राफ्स, हमारे जो इमेज हैं, फोटो हैं, वो छप जाते हैं। और अगर हम बात करें कि ये नॉइजी होते हैं कि नहीं होते हैं, तो बहुत माइनर नॉइजी होते हैं। इसकी प्रिंटिंग स्पीड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गाइज, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इसकी प्रिंटिंग स्पीड होती है 250 कैरेक्टर पर सेकेंड, इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी होती है 360 dpi डॉट पर इंच जिसको बोलते हैं, 360 होती है या मे बी 600 भी हो सकती है। और ये कलर आउटपुट कैसे देते हैं, मल्टी कलर देता है, इससे हम कोई भी कलर का आउटपुट ले सकते हैं। तो ये थी इंकजेट प्रिंटर। चलते हैं हम लेजर प्रिंटर की ओर गाइज। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लेजर प्रिंटर में पढ़ेंगे, लेजर प्रिंटर मिरर पर एक लेजर बीम डायरेक्ट करके पेपर पर एक इमेज को प्रोड्यूस करता है, जो कि बीम को ड्रम पर बाउंस करती है। ड्रम पर एक विशेष कोटिंग होती है जिसमें टोनर इंक पाउडर, टोनर मींस गाइस सूखी इंक, लाइक इंक पाउडर ड्राई इंक, चिपक जाती है। लेजर प्रिंटर में टोनर कॉर्टेज का इस्तेमाल किया जाता है। लेजर प्रिंटर में इलेक्ट्रिकल चार्ज का यूज किया जाता है, जहां ये इंस्ट्रक्शंस देता है कि टोनर को कागज पर कब और कहां लगाना चाहिए। मतलब गाइस, कहने का मींस ये है कि जो आपका लेजर प्रिंटर होता है, इसमें मिरर्स होते हैं, लेजर बीम्स होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट जिसके बेस पे हमारे पैराग्राफ या कैरेक्टर पे अक्षर छपते हैं, वो सिलेंड्रिक ड्रम। जी हाँ गाइस, तो क्या होती है, जो सिलेंड्रिक ड्रम होती है उस पर लेजर बीम जब पल्स होता है, तो वो स्टैटिक एनर्जी के कारण टोनर जो होता है ड्राई इंक, उससे चिपक जाता है। और क्या होता है, हमारे कैरेक्टर्स कह लें या कह लें हमारे अक्षर्स, इमेज, वो क्या होते हैं, प्रिंट हो जाते हैं। मतलब इसमें पूरा का पूरा काम है सिलेंड्रिक ड्रम का, वो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से जब हमारा बीम उस पर पल्स होता है पेपर पे, तो वो क्या करता है, थोड़ा हीट भी हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी है ही उसमें, तो क्या करता है, वो जो हमारी सूखी स्याही चिपक जाती है, जैसे हम पेपर लगाते हैं तो हमारा वो छपता चला आता है। और इसकी अगर हम प्रिंटिंग स्पीड की बात करें, तो 8 पेज पर मिनट इसकी मिनिमम स्पीड है, 437 पेज पर मिनट इसकी मैक्सिमम स्पीड है। मतलब कहने का मीन से, अगर हम कम से कम समय लें तो 1 मिनट में ये 8 पेज प्रिंट कर सकती है, और अगर हम मैक्सिमम की बात देखें तो 437 पेज पर मिनट ये छाप सकती है। और अगर इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी की बात करें गाइस, तो 600 to 1200 dpi इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी होती है, मींस ये बहुत ही अच्छा होता है। कलर आउटपुट इसका मल्टी कलर होता है। अब आप पूछेंगे जब दोनों अच्छा होता है तो हम यूज किसका करें, तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा डिफरेंस है लेजर और उसमें इंकजेट में। जो आपका इंकजेट होता है वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, आपका लेजर प्रिंटर थोड़ा कॉस्टली होता है, और आपके जो इंकजेट होते हैं वो नॉर्मल यूज करने में हमें आसानी होती है। जो आपके लेजर होते हैं अगर वो महंगा है गाइस, तो आप ऑब्वियसली बात है यूज नहीं कर सकते। अगर हम इंकजेट प्रिंटर की बात करें, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम इंक का यूज करते हैं, लिक्विड इंक का यूज करते हैं, कार्टेज का यूज करते हैं। वहीं आपके जो लेजर प्रिंटर है, इसमें हम टोनर का यूज करते हैं। तो ये थी बेसिक डिफरेंस किसमें, लेजर और इंकजेट प्रिंटर में। मैं एक बार और रिवाइज कर दूं गाइस, जो आप करें इंकजेट की, तो इंकजेट क्या होता है, इसमें स्याही लिक्विड में होती है, लिक्विड इंक होता है, जो कि क्या करता है, नोजल के जरिए ट्रेवल करता है, और जब इंक थोड़ी सी हीट हो जाती है तो वेपराइज होकर वो कागज पे चिपक जाता है, और जिससे कि हमारे टेक्स्ट प्रिंट हो जाते हैं, चाहे वो इमेज हो या टेक्स्ट हो। वहीं अगर हम लेजर की बात करें गाइस, तो इसमें एक सिलेंड्रिक ड्रम होता है, जो कि क्या करता है, पेपर पे लेजर बीम पे पल्स होता है, लेजर बीम के माध्यम से होता है, लेजर बीम से पल्स होता है, और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण टोनर क्या होता है, जो सूखी स्याही होती है वो थोड़ी हीट हो जाती है, बस उस पे क्या करता है, पेपर पे वो चिपक जाता है। तो इससे बनता है हमारा लेजर प्रिंटर, वो हो गया हमारा इंकजेट प्रिंटर। आगे देखेंगे हमें क्या पढ़ना है, थर्मल प्रिंटर गाइज, जिसका यूज हर छोटी या बड़ी जगहों पर किया जा रहा है। हम देखेंगे थर्मल प्रिंटर, ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं होता, अच्छा खासा होता है। बस इसका पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम अपनी लैंग्वेज में सुनेंगे
क्या होता है, ये प्रिंटर आमतौर पर बिजनेस या दुकानों में उपयोग किए जाते हैं। परंपरागत रूप से ये एक विशेष प्रकार के हीट सेंसिटिव कागज का प्रयोग करते हैं, गर्मी उत्पन्न करते हैं जो गर्मी संवेदनशील कागज के साथ प्रतिक्रिया करती है और थर्मल प्रिंट हेड की मदद से इमेज को सीट पर ट्रांसफर कर देती है। कहने का मीन्स ये है गाइज, जो ये होती है इसमें भी इसमें क्या होता है, हीट सेंसिटिव पेपर का यूज किया जाता है। जब हीट होती है, हीट जनरेट होती है, तो वो क्या करती है, फिर वो कागज के साथ रिएक्शन करती है और फिर वो जो हमारे टेक्स्ट होते हैं, अक्षर होते हैं, वो क्या करते हैं, पेपर पे छप जाते हैं। कहने का मीन्स इसमें टोटली काम है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि अगर हमें कोई चीज़ टच करके नहीं छापना है, जैसे वो वाले प्रिंटर थे तो उसमें हम टच करके हैमर करके इंपैक्ट प्रिंटर में छाप देते थे, पर इसमें अगर हमें टच नहीं करना तो ऑब्वियसली बात है गाइज, या तो हम स्प्रे का यूज करेंगे या तो हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे। आगे पढ़ते हैं, नई मशीनों में एक वैक्सी मटेरियल के साथ रिबन प्रिंटर कॉर्टेज स्टोर किया जा रहा है। इसमें भी कॉर्टेज होते हैं गाइज, हीट वैक्सी मटेरियल को पिघला देती है, जो हीट होती है वैक्सी मटेरियल को पिघला देती है और कागज पर प्रिंट प्राप्त होता है। ये आमतौर पर बहुत महंगे नहीं होते और इनका उपयोग करना बहुत आसान है गाइज। जैसा कि आपने देखा होगा, जब आप जाते हैं एटीएम मशीन के पास, उसमें से कुछ भी ट्रांजैक्शन होता है या कुछ भी होता है तो रिसीप्ट निकलता है, वो भी थर्मल प्रिंटर का एग्जांपल है। आप पॉस यूज कर रहे होंगे तो उससे जो रिसीप्ट निकलती है वो भी इसी का एग्जांपल है गाइज। आप टिकट निकलवाते हैं, वो चाहे मूवी टिकट हो या अच्छी होती है मूवीज, जो आप टिकट यूज कर रहे हैं गाइज वो भी थर्मल प्रिंटिंग की है, मतलब थर्मल प्रिंटर द्वारा ही यूज किया गया होता है, थर्मल प्रिंटर द्वारा ही प्रिंट आउट उसका निकला होता है। तो छोटी बड़ी ऐसी दुकानों में जहाँ पॉस मशीनें या एटीएम मशीन या कह ले मूवीज टिकट वगैरह, वो सब थर्मल प्रिंटर से ही निकाले जाते हैं। और गाइज मैं एक बात बता दूँ, जो थर्मल प्रिंटर से निकलते हैं वो बहुत ज़्यादा दिन तक चलते नहीं हैं, मतलब चलते हैं पर क्या है, बहुत टाइम उनका वो जो आउटपुट वो उन्होंने दिया है टेक्स्ट के रूप में, वो बहुत ज़्यादा दिन तक अंकित नहीं होता पेपर पे, वो खराब हो जाते हैं। तो ये था गाइज होल एनालिसिस ऑफ दिस टॉपिक। आपने पढ़ा इंपैक्ट प्रिंटर क्या, इंकजेट पढ़ा, आपने लेजर पढ़ा, आपने थर्मल पढ़ा। गाइज मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ तो गया होगा, और अगर आपको कोई भी दिक्कत है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, हमें कमेंट जरूर करें कि इसका क्या आंसर है, या आपको नहीं समझ में। कह दूं कि अगर चलते चलते मैं इतना कहती हूं, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, और जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।